चंपारण खेसारी लाल जी, कितने समय से आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, क्या कहना चाहेंगे एक इंसान के तौर पर, कलाकार के तौर पर खेसारी जी? टाइटल बड़ा अच्छा है, बड़ा कैची टाइटल है। बनाने वाले लोग बहुत सेंसिबल हैं, अनुभवी लोग जब सिनेमा बनाते हैं तो फिल्म का असर अच्छा होता है। हीरो बहुत अच्छा है जी। अगर मैं बोलूँ तो एज ए ह्यूमन बींग और एज एन एक्टर दोनों रूप में अद्भुत है, जिनका कोई मिसाल नहीं है। तो सिनेमा निश्चित तौर पर अच्छा होगा, पूरी टीम अच्छी है, सब लोग अच्छे हैं तो अच्छा ही होगा। आपसे ये कहना चाहूँगा कि कई ऐसी फिल्में होती हैं जहाँ पे विलन भारी पड़ता है एक्टर पे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपका किरदार कब कब आपको लगा कि भारी पड़ा है? नहीं, विलन हमेशा भारी पड़ता है और मैं हमेशा भारी पड़ा हूँ। अच्छा। लेकिन अभी खेसारी जी के साथ मैंने पिछली फिल्म मेहंदी लगा के रखना एक पॉजिटिव रोल था। खेसारी जी और मेरी कहानी है, बाप बेटे की कहानी है, हार्ड कोर पॉजिटिव था। मैंने विलन बन के लोगों को बहुत डराया, अब पॉजिटिव करके लोगों को इमोशनल करना चाहता हूँ, रुलाना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर वो फिल्म बहुत सक्सेस फिल्म होगी, अभी रिलीज हुई नहीं है। और इसमें भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, खेसारी के फादर का ही रोल है। यहाँ भी कुछ वैसी कहानी है, अच्छे बाप बेटे के बीच के रिलेशन है, मज़ा आएगा। मुझे लगता है कि हमेशा अगर विलेन भी किया हो तो एक चैलेंज दूसरे विलेन की अपेक्षा के जो ट्रेडिशनल विलन्स होते हैं उनसे अलग हटके कुछ करने की कोशिश की। और पॉजिटिव रोल में तो बहुत दम होता है, मुझे लगता है पॉजिटिव रोल बहुत अच्छा होता है। पिछले कई सालों में आप देख रहे हैं कि बहुत परिवर्तन आ रहा है, इतने सारे अवार्ड्स हो रहे हैं भोजपुरी फिल्म के, इंटरनेशनल शोज वगैरह होते हैं, क्या कहना चाहेंगे इतना बड़ा परिवर्तन देखे, कितनी खुशी मिलती है? खुशी मिलती है चूँकि हर परिवर्तन के साथ मैं हूँ। मेरी किस्मत अच्छी रही है कि भोजपुरी थर्ड जनरेशन की जब से शुरुआत हुई तब से आज तक मैं हूँ, और हर परिवर्तन में मैं भी कदम से कदम मिला के चला। जितने भी अवार्ड्स हुए, तकरीबन सारे अवार्ड्स मुझे हमारे दर्शकों को प्यार ने दिलाया। तो मुझे हर परिवर्तन के साथ चलने का जो आनंद आ रहा है, वही वजह है कि आज मैं अवधेश मिश्रा बन के यहाँ खड़ा हूँ। ये भी पूछना चाहूँगा अभी मैं कि लोग का सपना होता है जब आते हैं कलाकार बने, बॉलीवुड बॉलीवुड दिमाग पे हावी रहता है, तो कितना सही मानते हैं या कितना गलत मानते हैं इस चीज़ को? देखिए, अभी से चंद साल पहले जाएंगे तो फिल्म जितनी तरक्की की है, फिल्म जितना ग्रो किया है, उसी तरक्की और ग्रो का उच्च शिखर का परिणाम वो बॉलीवुड की फिल्में हैं। तो हर कलाकार की चाहत होती है कि वो बहुत आगे बढ़े। आज मैं जहाँ हूँ इससे असंतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत हद तक खुशी भी तब मिलेगी जब शायद सिनेमा के उस रूफले पर्दे तक मैं भी पहुँचूँ। कोशिश भी जारी है और पहुँच भी रहा हूँ। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहूँ कि साउथ फिल्में भी दिलाया, बंगाली फिल्म भी कर रहा हूँ, उड़िया फिल्म भी कर रहा हूँ, हिंदी फिल्म भी किया। डर्टी पॉलिटिक्स में बहुत कम ही देर का पैकेज था बट अच्छा था। तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, हमें केवल चलना है। चलना जिस दिन हम भूल जाएंगे, चलने में कंजूसी करेंगे, रास्ते अपने आप बंद होते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड से कोई इसकी तुलना नहीं है, ये एक रीजनल इंडस्ट्री है और रीजनल लोग बड़े कट्टर होते हैं अपने रीजन के प्रति, अपने कलाकारों के प्रति। शायद यही वजह है कि हम लोग को इतना प्यार सम्मान यहाँ मिल पाया है। नहीं तो हिंदी वाले कितने आए कितने चले गए, हिंदी की जगह यहाँ नहीं, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया हिंदी वालों को। लेकिन यहाँ के कलाकार जो सेंसेबल लोग हैं, तो हिंदी में जाएंगे या दूसरे लैंग्वेज में जाएंगे, उनकी उतनी ही इज्जत मिलेगी जितनी उनको वहाँ मिलती है। यह है। थैंक यू। थैंक यू।